मध्य प्रदेश में मॉनसून फिर से एक्टिव होने लगा है, जिससे एक और यहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। हालात ऐसे हैं कि सड़क और घरों में बारिश का पानी जमा हो गया है। जबलपुर की बात करें तो यहां अच्छी खासी बारिश हुई है, जिससे यहां नाले उफान पर हैं। वहीं छतरपुर में गरज और चमक के साथ तेज बारिश हुई है, जिसमें आकाशीय बिजली गिरने से महिला और बच्चे की मौत हो गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्सों में तेज बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी भोपाल में सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है। नर्मदापुरम और रतलाम में भी बारिश हुई। इस बीच जबलपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसे देखकर आप कहेंगे कि वोट के लिए नेताजी कुछ भी करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के प्रचार में नेता जुटे हुए हैं और वोट पाने के लिए नेताजी गली गली घूम रहे हैं। इस बीच जबलपुर में बुधवार की शाम को अचानक ही तेज बारिश हुई। कुछ ही घंटों की बारिश ने जिले की तस्वीर ही बदल दी। अधिकतर इलाकों में नालों का पानी सड़क पर आ गया, फिर क्या था। खबर मिलते ही कांग्रेस की महापौर उम्मीदवार जगत बहादुर अन्नू अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां कमर तक सड़कों पर पानी था। इस हालात के लिए उन्होंने बीजेपी और निगम प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। जगत बहादुर अन्नू ने आरोप लगाया कि बीजेपी नगर सत्ता और अधिकारियों ने मिलकर चौड़े नालों को डिब्बेनुमा बना दिया है। समय रहते अगर नालों की सफाई हो जाती तो आज ऐसे हालात नहीं बनते। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक एक ट्रफ लाइन राजस्थान से मध्य प्रदेश होते हुए जा रही है। अरब सागर से नमी मिलने से प्रदेश में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। उधर ग्वालियर में बुधवार शाम तेज बारिश हुई, जिससे गंगानगर के पास बस्ती में पानी भर गया। रात को जब नगर निगम का अमला वहां पर पहुंचा तो स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक बुजुर्ग ने तो टीम को मारने के लिए हाथ में पत्थर तक उठा लिया। टीम ने हाथ जोड़ते हुए माफी मांगी, तब बुजुर्ग का गुस्सा शांत हुआ। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के इलाके समेत मालवा निमाड़ के कुछ जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, छतरपुर और निवाड़ी में भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।